इनमें हम लोग एगो छोट जनरेटर बनाएं जाए जौन एगो एलईडी बल्ब जलाई एगो लाइट हाउस के ऊपर करे खातिर आपके ताकतवर नियोडिमियम मैग्नेट इंसुलेटेड कॉपर वायर और साधारण सामग्री लगी। पहले एगो फिल्म डिब्बी लेके आमने सामने दो गो छेदा करके उनमें दो गो मोट पाइप डाल लें, मोट मतलब पतील लेकिन मोट थिकनेस वाला पाइप डाल लें ताकि वो बेरिंग या बुश के जैसा काम कर सके। ये रिफिल वाला पाइप भी हो सकेला। अब एगो रबर ले लें और ओपे आमने सामने दो गो नियोडिमियम मैग्नेट लगा लें और उकरे बीच में एगो साइकिल का तार डाल लें। आप लोग देख सके नीचे के तरह अभी चुंबक और तार का असेंबली एगो पाइप में डाल लें और ओके फिल्म कैन के अंदर डाल लें। आप लोग देख सके नीचे कि फिल्म कैन में एगो कट मर लें ही जा जिनमें से आप लोग एक सरका के तार के अंदर डाल सके नीचे और दूसर पाइप अंदर लगा सके नीचे। ध्यान दें कि ई तार चुंबक के साथ बहुत आराम से घूमे के चाहिए अंदर। अब 35 से 36 गेज वाला इंसुलेटेड कॉपर वायर ए फिल्म डिब्बी पे क्रिस क्रॉस करके घुमा लें। कम से कम 800 घेरा बनाए कर आप लोग देख सके नीचे के तरह। घेरा मरले के बाद दोनों छोर पे एलईडी का तार लगा लें और जिस तरह आप लोग तार के घुमाएं जाते एलईडी बल्ब जलेला आप लोग देख सके नीचे। आप लोग कागज से एगो टर्बाइन ब्लेड बना के अपने तार पे लगा सके नीचे आप लोग देख सके नीचे के तरह। आप लोग ये टर्बाइन ब्लेड या पंखा के सामने दो गो डंठी के द्वारा एगो बोतल का ढक्कन छेदा मार के लगा सके नीचे। अब बोतल लेके आप लोग ये ढक्कन में लगाए लेंगे। ध्यान दें कि ये बोतल का नीचे का हिस्सा कटल भइल हवे। अब एगो बड़ बोतल में पानी डाल लें और ये छोट सफ़ेद वाला बोतल ओकरे अंदर ऊपर नीचे करें। जैसे ही आप लोग पानी में ऊपर नीचे करें जाए एकरे अंदर का हवा अपने ढक्कन के छेदा में से अंदर बाहर हुई और वो पंखा के घुमाई, पंखा के घूमने से चुंबक घूमेला और अपन एलईडी बल्ब जलेला। आप लोग देख सके नीचे अंधेरा में बहुत अच्छा से जलेला। लाइट हाउस का ये बहुत ही अच्छा प्रयोग हवे। आप लोग एक स्कूल में बच्चन के सिखा भी सके नीचे। बहुत ही अच्छा हुए ये प्रयोग।